हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं लिब्रे ऑफिस में इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस को ओपन करते हैं सबसे पहले और इसमें राइटर डॉक्यूमेंट पर जाएंगे और ये हमारा ओपन हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था व्यू के सारे ऑप्शन हमने पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है हमारा पेज ब्रेक है। तो पेज ब्रेक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। तो चलिए क्या होता है ये इसे जान लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी महादेवपुरम सीगढ़ रोड बेहड़ी। ये मैंने लिखा है, इसको थोड़ा मैं साइज बड़ा कर देता हूं। अब आपने देखा कि मैंने ये टाइप किया है। अब मुझे एक नए डॉक्यूमेंट की जरूरत है। मैंने फर्स्ट पेज पर ये इतना लिखा है, नेक्स्ट पेज पर मैं लिखना चाहता हूं। तो ये नया पेज कब आएगा आपको? या तो ये पेज कंप्लीट हो जाए या फिर आप एंटर एंटर करके नीचे तक जाएंगे, लास्ट तक जाएंगे, तब जाकर आपका नया पेज आएगा। तो आप चाहते हैं कि इसमें तो आपका टाइम की वेस्टेज होगी, तो आप चाहते हैं डायरेक्टली एक नया पेज आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे पेज ब्रेक ऑप्शन में। पेज ब्रेक ऑप्शन में अब देखा आपने कि ये नए पेज पर आ चुके हैं इस तरीके से, और डायरेक्टली हमने एक पेज को ब्रेक कर लिया। तो ये था आपका पेज ब्रेक, जिसमें हम क्या करते हैं पेज को हार्डली ब्रेक करते हैं। देन एक ऑप्शन हमें और मिलता है, चलिए हम यहां पर अब एक ऑप्शन हमें मिलता है मैनुअल ब्रेक। मैनुअल ब्रेक क्या होता है तो चलिए इसको भी जानते हैं। मैनुअल ब्रेक, मैनुअल ब्रेक में आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन। सबसे पहले मिलता है आपको लाइन ब्रेक, देन कॉलम ब्रेक एंड पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक जो अभी हमने देखा था, पेज ब्रेक ये वही ऑप्शन है। लाइन ब्रेक और कॉलम ब्रेक ये क्या होता है तो चलिए इसको भी जानते हैं। मान लीजिए अभी आपने ये लिखा था, जैसे आप देखेंगे ये लिखा हुआ है डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी महादेवपुरम शेरगढ़ रोड पेहड़ी। तो मैंने यहां पर ये जो शेरगढ़ है यहां से मैं चाहता हूं ये लाइन ब्रेक हो जाए और ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद मैनुअल ब्रेक में, और मैनुअल ब्रेक में मिलेगा आपको लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक पर आपने इसको ओके करना है और ये न्यू लाइन पर आपका आ जाएगा। तो ये क्या है, एक लाइन ब्रेक है, इसमें हमने लाइन को ब्रेक कर लिया है। देन अब बात करते हैं कॉलम ब्रेक की। तो कॉलम क्या होते हैं, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा कि पूरा पेज जो है, अभी हमारा पेज है ये पूरा एक कॉलम में डिवाइड है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर जो होता है वो छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड होता है, जिसमें कोई भी न्यूज़ होती है वो छोटे छोटे कॉलम में डिवाइड होती है। और वो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसको पेज को डिवाइड करना पड़ेगा कॉलम में। तो सबसे पहले हम जाते हैं फॉर्मेट ऑप्शन में। फॉर्मेट ऑप्शन में हमें मिलने वाला है कॉलम, और कॉलम ऑप्शन पे जाकर हमने इसको, मैंने इसको थ्री में, कि एक पेज को थ्री कॉलम में मैंने डिवाइड कर दिया। ये आपको प्रीव्यू दिख रहा है कि इस तरीके से आपको ये शो होगा। देन हमने ओके किया। अब आपका जो पेज है वो देखा आपने। अब जब मैं यहाँ से कुछ भी लिखने वाला हूँ तो ये क्या होगा, ये पूरे पेज पर ना लिखकर एक कॉलम में लिखा जा रहा है। अब नया कॉलम आप का कब आएगा, अब आप दूसरे कॉलम में तभी जा सकते हैं जब तक आपका ये पहला कॉलम कंप्लीट ना हो जाए। तो जैसे ही आपका ये पेज पहला कॉलम कंप्लीट होगा तभी आप दूसरे कॉलम में जा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इस वाले पे नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट कॉलम में आ जाए, ब्रेक हो जाए हम। तो इंसर्ट में जाएंगे और मैनुअल ब्रेक में जाएंगे, और मैनुअल ब्रेक में जाने के बाद में हम कॉलम ब्रेक पे जाएंगे। कॉलम ब्रेक में जाने के बाद ओके करते हैं। तो आपने देखा ये इस तरीके से यहां पर आ गया है। ये देखा आपने। देन अब मुझे जाना है नेक्स्ट कॉलम में। तो इसकी कॉलम ब्रेक की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंटर किया और हम यहां पर आ चुके हैं लिब्रे ऑफिस राइटर।
तो इस तरीके से हम ये करते हैं कॉलम ब्रेक। देन हमें पेज ब्रेक करना है तो हम जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट में, और या तो आप डायरेक्टली यहाँ से पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मैनुअल ब्रेक में जाकर पेज ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो ये देखा आपने, नेक्स्ट पेज पर आ गए। तो मैं इसको कॉलम में मैंने डिवाइड किया था, इसको मैं एक ही कॉलम में डिवाइड देने देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसे वन कॉलम में, और ये देखा आपने कि सारा डेटा आपका आ चुका है। तो ये होता है आपका कॉलम ब्रेक, पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक। तो हमने ये पेज ब्रेक और मैनुअल ब्रेक समझ लिए हैं। अब बात करेंगे हम इमेज के बारे में। तो इमेज क्या है, इमेज हमें डालनी है अपने डॉक्यूमेंट में। तो मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा करता हूँ और इंसर्ट में जाते हैं इमेज में। इमेज में हम जो भी इमेज डालने वाले हैं, हमारे कंप्यूटर में कुछ इमेज पड़ी हैं और हमने यहाँ पर एक वॉल पेपर में, जहाँ भी आपके पीसी में पड़ी हुई है वहाँ से आप डाल देंगे। मैंने वॉल पेपर, मैंने ये वॉल पेपर ये लिया, ये एक इमेज आ गई। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको यहाँ पर ये मैंने रख लिया। इंसर्ट, कोई इमेज और भी डाल सकते हैं आप। चलिए मैंने यहाँ से फोटोज से जाकर मैं इसको डाल देता हूँ। मैंने उसी के ऊपर, क्योंकि अब ये रिप्लेस हो गई क्योंकि मैंने वहीं पर सेलेक्ट कर रखा था। चलिए मैं आपको दूसरा एक इमेज और डाल के बताता हूँ। मैंने यहाँ पर ये देखिए, ये इमेज आ गई। तो ये हमने इमेज डाल दी, इमेज यहाँ से आप डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडिया की। तो मीडिया में भी क्या होगा, ये इमेज में क्या होगा, कोई पिक्चर हम डाल सकते हैं इसकी हेल्प से। देन मीडिया एक ऑप्शन हमें मिलता है, मीडिया में जाएंगे गैलरी पे, गैलरी में जाने वाले हैं। गैलरी में हमारे पास में, हमने जो दिखाया था आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था मैंने आपको, गैलरी से आप कोई सिम्बल्स, ये एरो हैं, एरो यूज़ कर सकते हैं, ये ले लीजिए। कंप्यूटर है, कोई कंप्यूटर की इमेजेस आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये देखिए, मैंने यहाँ से ड्रैग कर लिया, इसको मैं यहाँ से इसका साइज छोटा करता हूँ, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो गैलरी भी मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो में। देन अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा आपको स्कैन में। आप कोई भी डायरेक्टली, आपने कोई स्कैनर लगा रखा है वहाँ पर, आप कोई भी चीज़ आपने स्कैन के लिए रखी है तो डायरेक्टली वहाँ से भी इमेज उठा सकते हैं। देन ऑडियो एंड वीडियो आ रहा है। ऑडियो एंड वीडियो में आपका, आपके सिस्टम में कोई भी ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल पड़ी है उसको भी आप यहाँ पर डायरेक्टली ला सकते हैं। तो चलिए मैं ये भी आपको वीडियो डाल के बताता हूँ। ऑडियो एंड वीडियो में जाएंगे और मैंने यहाँ से एक, ये वीडियो है मेरे पास में डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ से इस वीडियो को मैंने उठा लिया। अब ये देखा आपने कि ये एज अ इमेज आएगी, एक वीडियो आ चुकी है जो कि ये फ्रेम बड़ा है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसका साइज ये काफ़ी बड़े फ्रेम में दिख रही है आपको, तो मैं यहाँ से इसको इसका साइज छोटा करता हूँ। ये देखा आपने, इसको मैंने यहाँ से इसका साइज मैंने कम कर लिया है क्योंकि ये वीडियो जो है, वीडियो यही है तो उसका वीडियो एज अ इमेज यहाँ पर आ चुकी है। तो ये था आपका इंसर्ट में मीडिया ऑप्शन। तो मीडिया ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये भी इमेज मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ। देन इसको भी मैंने डिलीट कर दिया, देन ये भी मैंने डिलीट कर दिया। इस इमेज को मैं ये रहने देता हूँ। चलिए ये यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मीडिया कवर कर लिया है। चार्ट में आप कोई चार्ट डालना चाहते हैं तो चार्ट डाल दीजिए, आप यहाँ पर चार्ट लेके आ सकते हैं। कोई चार्ट में जाएंगे, चार्ट ये आ चुका है आपका। तो ये चार्ट का जो डेटा है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद में चार्ट पे जो लाइनें आपको देनी है वो किस तरीके से देनी है वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। देन यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा, एरिया जो है, कलर क्या रखना है उसका,
जो भी कलर आप चेंज करना चाहें। देखिए कलर मैंने रख दिया है, बैकग्राउंड में कलर आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अब उसके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट को यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जो आ रहे हैं आपके, उसका बॉर्डर कैसा रखना है, कलर कैसा रखना है, यहाँ से सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कलर आप यहाँ से मैंने ब्लू कर दिया है और ओके किया, ठीक है। तो ये देखा आपने, इस पे जो डॉटेड आ रही है लाइन, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से चार्ट डाल देंगे आप यहाँ पर। चार्ट में तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये आएगा यहाँ से ओके, देन ये मैंने डिलीट कर दिया। तो चार्ट आपने देखा किस तरीके से हमने डाला। नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, चलिए मैं इसको पूरा समझाता हूँ। मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे आप, सबसे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में जैसे आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने वाले हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला ऑप्शन के द्वारा आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो रिएक्शन होती हैं, जैसे ये आपने ये एक डाला है आपने, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब आपने यहाँ पर लिखा 5 लेस देन 10, इस तरीके की क्वेश्चन बनानी पड़ जाती हैं। ये देखो आ गया आपका 5 लेस देन 10, देन यहाँ पर फिर आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आप फंक्शन लगाने वाले हैं साइन 30, जैसे मैंने लिया साइन और यहाँ पर लिख दिया मैंने 30, ये साइन 30 लिख गया है। देन कोई और फार्मूला ले लेते हैं हम, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएंगे फार्मूला में, यहाँ से आपको ये, मैं चलो एक एक करके बता देता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट में। इस तरीके से आप जो भी लेना चाहते हैं, आप जैसे किसी की पावर लगानी है, आपने लगाया 4 की पावर 2, अब ये 4 यहाँ आ गया है और यहाँ पर आपने 2 लिख दिया, तो ये 4 की पावर 2 इस तरीके से इक्वेशन आ गई है। देन इंसर्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्मूला, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, सेट ऑपरेटर्स आपको आ जाएंगे। ये सारे आपने मैथमेटिकल, जब कोई आप पेपर डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको ये आते हैं, ये फंक्शंस हो गए आपके, ये ऑपरेटर हो गए, ये सारे ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हो इतने, और भी आपको मिलेंगे एट्रीब्यूट्स में आपका ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस तरीके से। देन ब्रेकेट में आपको किस तरीके की ब्रेकेट इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बॉक्सेस आ रहे हैं, इनमें नंबर्स आपके आ जाते हैं। ये है आपका अदर्स में आएंगे आप, अदर्स में ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे, जैसे ये आपकी ये एग्जांपल में आपको इक्वेशन दिख रही हैं, तो इस तरीके की इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो चलिए इसको हम, मैं यहाँ से इनको डिलीट करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। देन बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट में ही आपको मिलता है OLE ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जैसे अब आपकी कोई भी फाइल है, ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आपने इंग्लिश में कोई सेंटेंस बनाते हैं जिसमें होता है आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, देन जो कुछ भी बचता है वो सारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब अभी की ये वर्ड की फाइल है, मतलब लिब्रे राइटर की फाइल है, इसमें आप कोई PDF फाइल डालना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस पर जाएंगे, अब क्रिएट न्यू। अब जैसे ये फाइल हमारी है लिब्रे राइटर की, आप यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं या ड्राइंग बनाना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो मैं आपको स्प्रेडशीट के द्वारा बता देता हूँ, मैंने ओके किया और यहाँ पर क्या होगा, एक स्प्रेडशीट आ जाएगी। अभी आपने देखा कि लिब्रे राइटर के अंदर हमने स्प्रेडशीट डाल दी, जैसे आप स्प्रेडशीट में काम करते सारा काम यहाँ पर वही होने वाला है। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये दे दिया, अब इनकी मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन करने के लिए वही सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर मैंने लिखा सम ब्रैकेट और यहाँ से ये मैंने इसकी रेंज दे दी है, ब्रैकेट मैंने क्लोज की और एंटर। अब आपने देखा यहाँ पर इनका टोटल आ चुका है। वैसे अगर आप मैनुअली ये टेबल बनाते तो क्या होता, सारे नंबर हमें पहले ऐड करने होते, ऐड करने के बाद इसका हम सम लिखते। देन अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर देखिए वैल्यू चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हमारा टोटल्स भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो ये था हमारा कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट
में हम किसी इस राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई वर्ड फाइल है, कोई प्रेजेंटेशन की फाइल है, कोई ऑडियो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल है, वो आप डाल सकते हैं। चलिए ये तो हमने क्रिएट किया था। देन इसी में एक ऑप्शन हमें मिलता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट और क्रिएट फ्रॉम फाइल, मतलब हमारे पास पहले से कोई फाइल बनी हुई है उसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं इसमें, तो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। तो सर्च पे जाते हैं, सर्च पे मैंने, चलिए मैं डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल पड़ी हुई है जो कि मैंने यहाँ से, चलिए मैंने यहाँ पर ये देखिए ये पीडीएफ फाइल्स, पीडीएफ फाइल में मैंने यहाँ पर किसी एक पीडीएफ फाइल को यहाँ पर ले लेता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर कार्ड ले लिया और इसे ओके कर दिया। अब ये फाइल, ये देखिए फाइल आपकी आ चुकी है जो हमने एक वीडियो में मैंने बताया था आपको। तो ये देखो कार्ड जो हैं वो आपके यहाँ आ चुके हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वही फाइल ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये आ गया। तो ये जो आपने देखा, इस तरीके से हम डालते हैं किसी भी फाइल को आप यहाँ पर, ये पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल मैंने यहाँ पर इंसर्ट कराई है और उसको आपने डाल दिया। तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया इसे। देन नेक्स्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट हमारा कवर हो चुका है। देन शेप पे आते हैं, शेप में आपको कोई लाइन डालनी है, कोई लाइन ड्रा करनी है, कोई बेसिक शेप्स में आना है। चलिए मैं आपको कोई एक बेसिक सा शेप बना के बता देता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर एक बेसिक शेप ले लिया है, ये ले लेते हैं, ये हमने बेसिक शेप लिया। देन इंसर्ट में जाकर हम शेप में जाएंगे और हमने सिंबल्स पे जाकर एक स्माइली फेस ले लिया मैंने। देन इसको मैंने, ठीक है, और फिर हम इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में फिर शेप पर जाते हैं, शेप पे मैंने जाकर एरो ले लिए। एरो में मैंने यहाँ से ये एरो लिया है इस तरीके से। देन एक एरो में और लेता हूँ, ये लेफ्ट एरो ले लिया है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी शेप बना सकते हो। अब आप इसका पूरा डायग्राम बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। मैंने शेप पर जाकर इसको बेसिक लाइन एरो, एरो में मैंने इसको ये ले लिया डाउन में। चलिए मैंने ये दिया, इसी का एक कॉपी कर लेते हैं, इंसर्ट और शेप। तो ये आपने एरो के द्वारा इस शेप को भी बना लिया है। ओके, मैं यहाँ से इसको दोबारा से शेप में जाएंगे और यहाँ से एरो लेते हैं, एरो में ये डाउन एरो, और इसको यहाँ से आप ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट आपने बना लिया। इस तरीके से ये आप कोई शेप बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये एक एक करके डिलीट करनी होंगे मुझे, और ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट हो गई। देन बात करते हैं, अब हम नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट वर्क। फॉन्ट वर्क क्या होता है तो चलिए इसको भी जानते हैं। फॉन्ट वर्क में आपको जो भी फॉन्ट यहाँ पर डिज़ाइन आपको दिख रही हैं वो आप डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं। चलिए मैं किसी एक डिज़ाइन को यहाँ पर लेता हूँ और मैंने ये डिज़ाइन ले ली, ओके किया। अब ये फॉन्ट आ गया है, अब यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ, मैंने लिखा। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे हम, और डबल क्लिक करने के बाद में लिख दिया मैंने डिजी टैग। अब मैंने यहाँ से इसको दूसरी जगह क्लिक किया तो देखा आपने वही चीज़ यहाँ पर आ चुकी है। इसको आप डबल क्लिक करके कुछ और भी लिख सकते हैं। चलिए ये इस तरीके से आपको फॉन्ट शेप मिल जाएगा, यहाँ से आपको अलग अलग डिज़ाइन मिलेंगी। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से आप इसे डाल सकते हैं। तो फॉन्ट वर्क समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब यहाँ पर एक बॉक्स डालेंगे हम जिसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब आपने टेक्स्ट बॉक्स एक बनाया जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी, ये जो बॉक्स मैंने बनाया। अब ये बॉक्स आप यहाँ पर
इसको मैंने अभी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके अंदर आप इसे कहीं भी आप मूव करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट में कहीं भी आप ले जा सकते हैं इसे। ये देखिए, तो ये होते हैं आपके टेक्स्ट बॉक्स। तो ये था आपका टेक्स्ट बॉक्स, जो भी आप जिस तरीके से बनाना चाहें इसे बना सकते हैं। डबल क्लिक किया मैंने और इसे मैं करता हूं डिलीट। ये हो गया डिलीट। देन आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, कमेंट। कमेंट मैं आपको बता चुका हूं पिछली दो वीडियो में, मैं बता चुका हूं कमेंट क्या होते हैं। चलिए एक बार और बता देता हूं मैं, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। अब मुझे कंप्यूटर क्या है इसके बारे में मुझे एक नोट्स बनाना है, कमेंट लाना है। तो कमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट कमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर कमेंट में इसकी ऐड शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल प्लस सी, इस पर मैंने क्या किया ओके किया। देन मैंने लिखा कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स डाटा प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट। ये देखा हमने इस तरीके से, ये हमने इसको कमेंट डाल दिया। तो ये कमेंट था, हम इसको कमेंट को डिलीट कर देते हैं, डिलीट ऑल कमेंट्स। तो आपने कमेंट ऑप्शन समझ लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम बढ़ने वाले हैं, फ्रेम को हम छोड़ देते हैं, कैप्शन एक ऑप्शन मिलता है हमें। कैप्शन ये कब काम करता है, ये काम करेगा जब आपकी कोई इमेज पड़ी हुई होगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैप्शन होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज डालेंगे, तो हमने एक इमेज पर जाते हैं और इमेज में हम किसी एक इमेज को डाल देते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक इमेज डालता हूँ, यहाँ पर ये एक इमेज आ गई है और इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, एक इमेज ये आ गई है। नेक्स्ट देन एक इमेज और डालते हैं हम यहाँ पर इमेज, और यहाँ पर हम जाते हैं वॉलपेपर में, वॉलपेपर में चलिए मैंने यहाँ पर ये वाली इमेज ले ली, ठीक है। चलिए मैंने इसको छोटा किया और ये देखा, आपने देखा होगा कोई आर्टिकल होता है आपका बुक्स में, आप देखते हैं कुछ पिक्चर्स होती हैं तो उन पे पिक्चर्स के नीचे एक नाम लिखा हुआ होता है, पिक्चर नंबर लिखा होता है, तो वैसे ही आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये मैंने पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट की है और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन कैप्शन आपका यहाँ पर अभी हाईलाइट हो गया है, इस पे जाएंगे और यहाँ पर आप कैप्शन में कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया गर्ल विद लैपटॉप और ओके। ये आपने देखा ये आ गया है। अब ये इलस्ट्रेशन गर्ल और नंबर वन, तो ये कब क्यों आया है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ पर ये लिखा था, यहाँ पर आ रहा है कैटेगरी क्या होनी चाहिए उसकी, कैटेगरी टेबल होनी चाहिए, टेक्स्ट होनी चाहिए, ड्राइंग होनी चाहिए, नन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चलिए मैं आपको ड्राइंग दे देता हूँ। अब उसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट हो, 1 2 3 से स्टार्ट होनी चाहिए, ए बी सी से, 1 2 3 से, जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो मैंने ए बी सी डी रख दिया। देन सेपरेट क्या हो, पोजीशन क्या होनी चाहिए, उसकी नीचे आना चाहिए या फिर इमेज के ऊपर आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे। जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको प्रीव्यू में, इस तरीके से आएगा ये। और आपने यहाँ पर लिखा गर्ल विद लैपटॉप, तो आपको जिस तरीके से यहाँ पर ये डेमो दिख रहा है उसी तरीके से आएगा। आप यहाँ पर नन में देख कर लीजिए, तो नन में इस तरीके से आएगा गर्ल विद लैपटॉप, ओनली यही आएगा। देन टेबल में आप ये आ जाएगा टेबल ए गर्ल विद लैपटॉप, और टेक्स्ट में टेक्स्ट ए गर्ल विद लैपटॉप। तो मैं यहाँ पर नन कर दे रहा हूँ, नन में ओनली गर्ल विद लैपटॉप आएगा और ये मैंने ओके कर दिया। तो ये आपने देखा गर्ल विद लैपटॉप। इस इमेज पर मैं कोई कैप्शन डालने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा
कैप्शन में, और कैप्शन में मैंने यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है, टेक्स्ट वन, और मैंने लिख दिया कार, कार ऑन रोड। और ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो इमेज होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, उन पर कुछ लिखा हुआ होता है, उनके बारे में डिटेल होती है कि ये पिक्चर नंबर वन है, टू है, थ्री है, तो इस तरीके से वो हम डालते हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर डिलीट करता हूँ। और ये टेक्स्ट यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है, इसको सेलेक्ट किया मैंने बाउंड्री को, और ये मैंने डिलीट कर दिया। देन अब हम बात करने वाले हैं, हमने कैप्शन पढ़ लिया, लिंक। अब लिंक क्या होता है, एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक करने के लिए हम लिंक ऑप्शन का यूज करते हैं। तो हाइपर लिंक, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था हाइपर लिंक, उसी तरीके से ये लिंक है, इसकी शॉर्टकट भी होती है कंट्रोल प्लस के। तो चलिए हम बात करते हैं, मैंने लिखा डिजीटेक, डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर कंप्यूटर को सेलेक्ट किया मैंने, चलिए मैं पूरे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जब इस पर क्लिक किया जाए तो कोई एक दूसरी फाइल ओपन होनी चाहिए, या फिर मैं यहाँ से ये है, मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया है। इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में लिंक पर जाएंगे, और लिंक में आप क्या लिंक करने वाले हैं, इंटरनेट की कोई फाइल लिंक करने वाले हैं, मेल, डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट। तो चलिए आपने यहाँ पर दे दिया मैप, मैप में आपने, चलिए मैं आपको एक एड्रेस देता हूँ यहाँ से, तो मैं इसमें एक वेबसाइट का एड्रेस डालने वाला हूँ। तो यूआरएल में मैंने डाला, ये मैंने अपनी वेबसाइट का एक लिंक डाल दिया है, www.http://digitechcomputers.cse.co.in। अब मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, ओके कर दिया। ओके, ये देखिए आपका एक लिंक आ गया है, लिंक आ गया है, तो ये हम हमारी वेबसाइट का एक लिंक आ गया। तो जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ में, अभी देखिए आप पॉइंटर ले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो पॉइंटर ले जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है कि कंट्रोल के साथ में क्लिक द फॉलोइंग लिंक। कंट्रोल के साथ में आप क्लिक करेंगे तो इस पर यहाँ पर एक पंजा बन गया जाएगा, और आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो आ गया, अभी वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज़ लिंक कर सकते हो, लिंक बना सकते हो। तो नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से भी थोड़ा पेज खुलने में टाइम लगेगा, तो तब तक ये पेज ओपन होता है। चलिए हम देखते हैं इसी में एक नए ऑप्शन को, नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जाते हैं। हमने यहाँ पर ये तो आ गया इस पे, देन दिनेश कुमार को मैंने सेलेक्ट किया, और कंट्रोल के करते हैं, आते हैं इसमें, हम डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट में हम सेलेक्ट करने वाले हैं उस फाइल को, जिस फाइल को हम यहाँ से लिंक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर एक फाइल, चलिए मैं कार्ड वाली फाइल को ही लेता हूँ और ओके करता हूँ, ये आ गया है। देन हमने ओके किया इसे, अभी आपने देखा कि ये इसका दिनेश कुमार का कलर यहाँ पर चेंज हो गया और अंडरलाइन आ गया। अब आप इस पर पॉइंटर ले जाएंगे तो कह रहा है कंट्रोल के साथ में आप इस पर क्लिक कीजिए, तो मैंने फिर कंट्रोल के साथ में क्लिक करता हूँ, ये हाथ का पंजा आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई फाइल लिंक है। तो हमने इस पर क्लिक किया और एक नई फाइल यहाँ पर आ जाएगी, देखा आपने, ये फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है इस तरीके से। तो यहाँ इस तरीके से आप किसी फाइल को आप लिंक कर सकते हो, किसी वेबसाइट को लिंक कर सकते हो, ये आपने देखा। ये देखते हैं हमारी वेबसाइट ओपन हुई है नहीं हुई है, अभी नेट की स्पीड की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो चलिए इस तरीके से ओपन हो जाएगी। देन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, नेक्स्ट ऑप्शन में पढ़ने वाले हैं बुक मार्क। बुक मार्क क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी जानते हैं, बुक मार्क क्या होते हैं। बुक मार्क में मैंने यहाँ पर, चलिए मैंने लिख दिया लिब्रे ऑफिस राइटर, ये टॉपिक है। नेक्स्ट मैंने लिखा नेक्स्ट पेज पर लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट,
स्प्रेडशीट। अब आपने देखा होगा कि आपके पास में एक बुक है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपका 100 पेज है, और आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसे बुकमार्क में डाल देंगे, जिससे कि डायरेक्टली आप उस पेज पर जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि डायरी में एक रिवन होता है, और रिवन यही काम करता है कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पर जाना चाहते हैं तो वहीं पर उसी पेज पर आप उस रिवन को फंसा देते हैं, या फिर आप कोई नोटबुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई बुक पढ़ते हैं तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उस पेज को हम थोड़ा मोड़ देते हैं साइड से, तो वो इसलिए करते हैं, या फिर वहाँ पर पेपर फंसा देते हैं जिससे कि हमें डायरेक्टली उस टॉपिक पर जा सके। इसलिए हम यहाँ पर भी इंसर्ट में जाएंगे और बुकमार्क ऑप्शन पे जाएंगे। बुकमार्क ऑप्शन में यहाँ पर हमें सबसे पहले किसको बुकमार्क बनाने वाले हैं, हमने यहाँ पर राइटर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट में गए और बुकमार्क पे गए। बुकमार्क में हमने यहाँ पर नाम दे दिया, इसका बुकमार्क 1 देना है या कुछ और देना है, मैंने ओके किया, बुकमार्क 1 दे दिया। देन हम बात करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट किया है, इंसर्ट में गए, और इंसर्ट में जाने के बाद में हम बात करते हैं बुकमार्क की। यहाँ पर बुकमार्क 1 आ गया है। अब बुकमार्क 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग, चलिए मैंने ये दे दिया। अब मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो इंसर्ट में गए हम, इंसर्ट में जाने के बाद हमने यहाँ पर बुकमार्क पे जाएंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हमारा आ चुका है, अब इसमें हम जिस टॉपिक पे जाना चाहते हैं, बुकमार्क 2 पे जाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ से सीधे गो टू। आप देखेंगे कि आप स्प्रेडशीट पे आ गए, आपने इस पर राइटर पे जाना है, गो टू। तो ये है आपका बुकमार्क। बुकमार्क होता है किसी टॉपिक पर जाने के लिए बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको एक और मिलने वाला है, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस भी होता है आपका, क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है आपका, मैंने इसको यहाँ से एंटर किया। क्रॉस रेफरेंस में आपने देखा होगा कि आपके नोटबुक जो किताब होती है उसमें इंडेक्स बने हुए होते हैं, और वेबसाइट में भी इस तरीके से इंडेक्स बने होते हैं जिस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस पर पहुंच जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से ये बनाते हैं। तो इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाएंगे क्रॉस रेफरेंस में। अब हमने हमारे पास में अभी क्या है, हमने कोई हेडिंग नहीं बनाया है, कोई नंबर पैराग्राफ नहीं है हमारे पास में, हमने बुकमार्क बना रखे हैं। तो बुकमार्क बना रखे हैं तो बुकमार्क पर आप जाएंगे, और बुकमार्क पे आप जो भी बुकमार्क हम डालने वाले हैं उसको क्या हो, उस पर पेज नंबर दिखाए कि वो बुकमार्क, जैसे हमारा बुकमार्क आ गए हैं, 2 ही बुकमार्क बनाए थे हमने, बुकमार्क 1 बुकमार्क 2, तो वो किस पेज पर हैं उसका पेज नंबर दिखाएगा यहाँ पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेज, और यहाँ पर मैंने इंसर्ट कराया, तो देखा आपने पेज नंबर, बुकमार्क 1 जो आपका कहाँ पर है, पेज नंबर 2 पे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर 2 पे, ये आप चाहते हो जैसे इसका नाम आ रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर है, लिब्रे ऑफिस स्प्रेड शीट है, ये अगर आप देखना चाहते हैं। चलिए अब आपको डायरेक्टली मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए इसका काम क्या होता है, जैसे मैंने इस पर 2 पे क्लिक किया और डायरेक्टली हमें कहाँ पहुँचा देगा, उसी बुकमार्क पर पहुँचा देगा। तो आपको, आपने ये देखा इस तरीके से भी कर सकते हो। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ इसे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप क्रॉस रेफरेंस पे गए, क्रॉस रेफरेंस में अब मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ चैप्टर का नाम, हमने कोई चैप्टर डिसाइड नहीं किया है। रेफरेंस में आप देखिए, रेफरेंस में क्या होगा, जो भी उसका नाम था वही दिखेगा। मैंने यहाँ पर इंसर्ट, ये आ गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बुकमार्क 2 डालने वाला हूँ और रेफरेंस ही डालूंगा, इंसर्ट। अब आपने देखा ये हमने डाल दिए हैं। अब आप किसी टॉपिक पे जाना चाहते हो तो आप इस पर लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाना चाहते हो, आपने क्लिक किया, डायरेक्टली आ गए हैं। देन हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट, इस पे जाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप इस पर भी आ गए। तो आपने देखा हो जैसे वेबसाइट होती है, वेबसाइट में किसी भी पे लिंक करते हो तो आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे पहुंच जाते हो, या फिर आप बुक होती है, बुक में इंडेक्स पेज होता है जो पहला पेज, उसमें भी आपका दे रखा होता है कि ये पेज नंबर इतने पर है, तो डायरेक्टली आप वहाँ से उस पेज पर जा सकते हो। तो उसी तरीके से हम इसका क्रॉस रेफरेंस बनाते हैं। बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस लगभग लगभग सेम है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, किस तरीके से काम करते हैं। चलिए तो बात करते हैं हम, क्रॉस रेफरेंस हो गया। स्पेशल कैरेक्टर में वे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर, तो चलिए इसको भी देखते हैं। यहाँ से आप कीबोर्ड में कुछ सिंबल्स हैं, ये इनको देखकर
जो भी आप डालना चाहते हैं, जैसे आपको परसेंटेज का चिन्ह है, ये सारी चीज मिल जाते हैं, और भी आपको सिंबल्स मिलेंगे यहाँ पर, ये बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपके कीबोर्ड में नहीं होते हैं, उन्हें डालने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये डाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इंसर्ट कर दिया, तो ये सिंबल्स यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल्स होंगे और वो हर एक लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगे। आपने यहाँ से स्पेशल कैरेक्टर पे जाएंगे और यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में आप डालने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज आ रही हैं, आप यहाँ से वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये बहुत सारी लैंग्वेज आ रही है, ये आ गई आपकी हिंदी की लैंग्वेज आ गई। अब इसमें से जो भी आप लेटर या डालने वाले हैं, मैंने ये डाला, मान लीजिए ये वाला मैंने डाल दिया, ओके। ये देखा आपने कि ये लेटर आपका आ चुका है, तो वही लेटर जो आपके कीबोर्ड में नहीं है, उन्हें डालने के लिए हम आप क्या करेंगे, स्पेशल करेक्टर ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फॉर्मेटिंग मास्क। फॉर्मेटिंग मास्क आता है, ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस दे रखा है, नॉन ब्रेकिंग हाइफन दे रखा है, तो इनकी शॉर्टकट की दे रखी है, सॉफ्ट हाइफन होता है। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ, ये होते क्या है। अब ये जो वर्ड था आपने लिखा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, एक वर्ड ये लिखा था जो कि यहाँ पर पर्याप्त स्पेस ना होने की वजह से नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो आप चाहते हो कि जो जितना वहाँ पर ऊपर आ सकता है उतना आप वहाँ पर लिख सकते हो। चलिए मैंने यहाँ से और यहाँ पर हाइपन इंसर्ट में जाके फॉर्मेटिंग मास्क में जाएंगे। फॉर्मेटिंग मास्क में जाने के बाद में एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस, ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया। और एक काम या ये भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर फॉर्मेटिंग मास्क में जाएंगे, नॉन ब्रेकिंग हाइफन स्पेस, तो स्पेस के लिए होता है, और हाइफन में आपका क्या होगा, ये देखिए इस तरीके से चिन्ह आ जाता है, आपने देखा होगा। तो ये जो है, अब ये देखा आपने इस तरीके से, अब इसको आप यहाँ से और ब्रेक करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से मुझे कुछ और लिखना है, तो आप क्या करोगे, हाइफन में जाएंगे, फॉर्मेटिंग मास्क, और सॉफ्ट हाइफन डाल देंगे। सॉफ्ट हाइफन में ये आ गया देखें, और यहाँ से कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन डालनी है आपको, तो एक लाइन आ जाएगी। सॉरी, आपने इसको मैं एंटर करके एक लाइन डालना चाहता हूँ, तो हॉरिजेंटल लाइन में आप जाएंगे तो एक लाइन आ जाएगी आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइन आ गई, चलिए मैं इसको हटाता हूँ। देन नेक्स्ट बात करते हैं फुट नोट एंड एंड नोट की। तो फुट नोट एंड नोट क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी जानते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, राम इज अ गुड बॉय, तो हमने ये लिखा राम इज ए गुड बॉय। देन अब हम यहाँ पर फुट नोट और एंड नोट की बात करेंगे। तो फुट नोट क्या होता है, फुट मीन्स होता है पैर, और पैर क्या होता है, नीचे। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट है हमारा, इसके पेज के नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो फुट नोट कहलाएगा, फुट कहलाएगा, और एंड मतलब जहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड होता है वो आपका एंड कहलाता है। नोट मीन्स होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप डालने वाले हैं। तो चलिए मैंने गुड का मतलब मुझे नहीं पता, आपने देखा होगा कोई स्टोरी होती है बुक में, तो उसके जो टिपिकल वर्ड होते हैं उनके मीनिंग नीचे लिखे हुए होते हैं, उस पैराग्राफ के नीचे होगा या पेज के लास्ट में होगा। तो हमने यहाँ पर इंसर्ट में गए, इंसर्ट में फुट नोट एंड नोट पे, तो फुट नोट पे मैं जाता हूँ और मैंने यहाँ पर देखा आपने नीचे आ गया, गुड मीन्स होता है अच्छा, मैंने लिख दिया अच्छा। देन यहाँ पर देखेंगे नंबर वन ऊपर आ चुका है, एक वन यहाँ पर जहाँ पॉइंटर ले जाएंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि अच्छा है ये। बॉय मीन्स मुझे नहीं पता कि बॉय क्या होता है, तो मैं यहाँ पर मैंने इंसर्ट में फिर गया, और इंसर्ट में जाने के बाद में फुट नोट को मैंने फिर यहाँ से इंसर्ट करा दिया, तो फुट नोट नंबर टू पे आ गया, बॉय मीन्स होता है लड़का, ये देखा आपने, मैंने ये लिख दिया। वहाँ वहाँ जाएंगे तो आपने बुक में देखा भी होगा, नंबर वन नंबर टू इस तरीके से वहाँ पर ये आते हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंटर ले जाएंगे तो ये लड़का लिख के आ रहा है नंबर दो पे, और इस पर गुड पर अच्छा आ रहा है। ये तो था आपका फुट नोट। अब हम बात करने वाले हैं एंड नोट की। एंड नोट क्या होता है कि जहाँ पर डॉक्यूमेंट का लास्ट होता है, एंडिंग होती है, वहाँ पर आपको इसका मीनिंग दिखा देगा। तो राम जो आ रहा है, मैंने राम को इस पे डालूंगा मैं एंड नोट। तो एंड नोट
यहाँ पर जाएंगे और एंड नोट, और एंड नोट बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर दिखा दिया है कि हमारा तो राम क्या है, अ पर्सन, एक व्यक्ति तो है राम। ये देखिए इसकी नंबरिंग ही आ गई है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ पर पॉइंटर ले जाके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली आपको नीचे मिलेगा। तो ये था आपका फुट नोट और एंड नोट, तो मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ और मैंने डिलीट कर दिया। देन अब हम बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट ये क्या होता है, इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, और किस तरीके से हम बनाते हैं तो चलिए जानते हैं। या फिर मैं एक काम करेंगे, मैं इसको अलग से आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगा, क्योंकि हमारी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो टेबल ऑफ कंटेंट पे मैं आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगा, सेपरेट वीडियो। तो आज तो हम जानते हैं पेज नंबर। पेज नंबर क्या है आपका, ये पेज वन है, तो यहाँ पर पेज नंबर, चलिए मैं यहाँ पर पेज नंबर डाल देता हूँ। अब हम जिस पेज पर हैं उस पर नंबर डालना है हमें, इंसर्ट में जाएंगे और पेज नंबर पर जाएंगे, ये पेज नंबर 5 है, एंड ये पेज पर आ गए हम। देन पेज नंबर 4 है, तो ये जिस पेज पर आप नंबर डालना चाहते हैं उस पर आप नंबर डाल सकते हैं, यहाँ पर पेज नंबर, ठीक है। देन आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पर, देन एक ऑप्शन और मिल रहा है जो कि ऑप्शन है फील्ड का। फील्ड में भी आप पेज नंबर डाल सकते हैं, पेज काउंट, डेट डालना चाहते हैं तो डेट, देखिए डेट आ गई यहाँ से, और इंसर्ट में जाने के बाद में फील्ड में जाएंगे, फील्ड में टाइम डालना चाहते हैं, सब्जेक्ट है, ऑथर है, ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। तो अलग अलग पेज पर टाइम डाल सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, टाइटल हैं, ऑथर हैं, तो चलिए मैंने टाइम डाल दिया यहाँ पर, टाइम आ गया, जो भी अभी आपके कंप्यूटर में टाइम हो रहा है वो आ जाएगा, डेट जो भी है वो आ जाएगी। तो इस तरीके से आप फील्ड से भी ऑप्शन, फील्ड ऑप्शन से भी ये डेटा डाल सकते हैं। देन आपको एक ऑप्शन मिलने वाला है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर होता है प्रत्येक पेज के, डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर टॉप में तथा बॉटम में आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर डाला, सभी पे डालने वाले हैं, सभी पे मैंने ऊपर लिखा डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी, ये आपका आ गया हेडर। देखा आपने, ये प्रत्येक पेज पर हेडर आ गया है, सारे पेज पर आ गया है, मुझे डालना नहीं पड़ा। अब बात करते हैं एंड नोट की। एंड नोट यहाँ पर वो, सॉरी, हेडर फुटर पे बात करेंगे, तो फुटर में जाएंगे, ऑल पे, सभी पे डालना है, सभी पे। अब सभी पे यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसे ओके करते हैं। ओके, ये आ गया। चलिए मैं आपको यहाँ पर पेज डाल देता हूँ दोबारा से, फुटर में जाएंगे, फुटर में मैंने डाल दिया एड्रेस महादेवपुरम, ठीक है, ये आ गया है। ये देखा आपने, सभी पेज पर ये आ चुका है। ऐसे आप हेडर में डालना चाहोगे तो हेडर में डाल सकते हैं, हेडर में, इंसर्ट में, हेडर फुटर में, और ये हेडर में मैंने डाल दिया। डिफॉल्ट स्टाइल मैंने डाला डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी, इस तरीके से। अब ये आपका सारे डॉक्यूमेंट में, सारे पेज पर ये आ गया, देखा आपने, टॉप और बॉटम में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो प्रत्येक पेज पर, अब आपके पेज कितने भी हो सकते हैं डॉक्यूमेंट में, 100 पेज हो, 200 हो, सभी पर ये आ जाएगा। आपने देखा होगा किसी बुक में टाइटल होते हैं, बुक का नेम होता है और प्रिंटर्स का नाम होता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। देन हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट, एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट क्या है चलिए जानते हैं। इसमें एक ऑप्शन और मिलता है आपको जो कि है, इंसर्ट में जाएंगे और ये डॉक्यूमेंट से नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, सॉरी, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनवलप ऑप्शन मिल जाएगा।
अभी यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है, आपको दिखा देता हूँ, ये आ गया, एनवलप आ गया, तो एनवलप में जाएंगे आप। एनवलप जिस तरीके से हम एक एनवलप प्रिंट करते हैं तो उसमें है ये एड्रेस में, आप जिसको जो भेज रहा है उसका एड्रेस पड़ जाएगा। चलिए मैं, यहाँ पर भेजने वाला कौन है, मैं हूँ डिजिटेक। चलिए मैं ये भेज रहा हूँ लेटर, दिनेश कुमार, मैं ये लेटर भेज रहा हूँ, ये सेंडर का एड्रेस है कुमार। और ये किसके लिए भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है डिजिटल कंप्यूटर सोसाइटी के लिए। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखा रहा है किस तरीके से ये है। देन न्यू डॉक्यूमेंट पे जाएंगे आप, और ये आपका एक लेटर एनवलप का एक परफॉर्मा आ जाएगा। तो हम किसको भेज रहे हैं, डिजिटेक को ये लेटर एनवलप भेजने वाले हैं। तो एनवलप यहाँ पर तैयार हो गया है, उसको प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी आ गई है, यहाँ पर फॉर्म मेरा नाम आ गया है, आप इस तरीके से इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देख लिया इंसर्ट के सारे ऑप्शन, लगभग हमने सारे कवर कर लिए हैं। तो ये सारे ऑप्शन हो गए हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फॉर्मेट के बारे में। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।